माशाल्लाह खाना जो है हमारा रेडी हो गया है, जस्ट बहन भाई ने खाना है। आपके बारे में क्या आया है अल्ताफ भाई? आपने नोटिस किया है कि सलमा भाभी की शक्ल पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस साहिबा से बहुत मिलती है। अच्छा, ये मेरी शक्ल की है? बीच रह गया मुक गया वीजा ते जुदाया फिर पे गया आका। आजकल आप कैमरा इतनी नजदीक करते हैं हमारा बड़ा बड़ा मुंह दिखा रहे हैं। मैंने एलसीडी में पैकिंग शुरू है। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी पैकिंग इसकी धोएगी भाभी, धोएगी आप नहीं धोगी? आपके हाथ दुखते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी हमारा दूसरा व्लॉग नहीं तीसरा व्लॉग, हाँ तीसरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है स्नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई जो मेरे दोस्त जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक में शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुबला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर फरमाए। और ये हमारा तीसरा व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है दावत वाला, और आज स्पेशल दावत कर रहे हैं अपनी मसात को और भांजी आई हुई है उनको, तो उनकी दावत है आज। और बाकी जो रूटीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, आपने रहना है साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्या हुआ? पेट्रोल खत्म है बाइक का? बिल्कुल ले लो, चलो फिर पेट्रोल के पैसे भी देते हैं। और यहाँ पर चन्नी मुनिया ये देखें ये खेल रही हैं, तो इनको पेट्रोल के पैसे देते हैं और बाकी जो है रूटीन वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। अमीना जो है रजाइयाँ लेकर आ गई है, ऊपर से लेके आई हो? हाँ अच्छा, कौन धोएगी? भाभी धोएगी, आप नहीं धोगी? आपके हाथ दुखते हैं? अंगल के चोहट लग गई है? वाह जी वाह, क्या बात है आपकी तो माशाल्लाह। फिर तो हाँ, एक हमारा एक आपका, ये किसका है? भाभी जान का। मेरी भाभी जान का नहीं, आपकी भाभी जान का। और ये किसका है? अम्मी जान का। अम्मी जान का है, चलो फिर रखो माशाल्लाह, जल्दी करो, शाबाश, क्या बात है। अम्मी जान वो आ रही हैं, और यहाँ पर परी खड़ी है, और यहाँ पर जवेरिया खड़ी हुई है, और जवेरिया जो है क्या वो हंस रही है। छुट्टी ले आए? यस। कितने ले आए? मंगल तक। मंगल तक? मंगल तक क्यों ले आए? मैंने सोमवार तक ली है, ये कहते नहीं मैंने मंगल की भी लेनी है। मंगल तक क्यों ली? मंगल मंगल तक नहीं लेते, एक दो छुट्टियां होती हैं, तो आप लोगों ने इतनी छुट्टियां कर ली हैं। और इधर देखें ये अपने कारोबार में लग चुकी है, इसका जो कारोबार है ये देखें, पैकिंग शुरू है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी पैकिंग इसकी शुरू हो चुकी है बहावलपुर जाने की, अभी से ही पैकिंग। ये देखें ये अपने बच्चों के कपड़े वगैरह अभी से इसको ना फुल कर रही है, जो मेहमान हुए उनके तो पहले कर लो। मेहमानों का करेंगे वो मेरे बहन भाई जानते हैं, क्योंकि गैस आती है जिस टाइम को ना उस वक्त मेहमानों का होगा। अच्छा, जो भी होगा अभी अपने बच्चों का पैकिंग कर रही हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। सब बहन भाइयों की दुआ है, दुआ की वजह से जो है ना माशाल्लाह हम जो है ना पैकिंग कर रहे हैं, दुआ की वजह से पैकिंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से सबने दुआ करनी है हमारी जो है ना, मैं ये कपड़े ऊपर थे ना हाँ। वो उतार के आई हूँ हाँ। तो मैंने सोचा जो बच्चों के कपड़े जो है ना लेके जाने हैं हाँ। बच्चे हैं ना, एक एक पहनाऊंगी, एक एक दो दो साथ लेकर जाऊंगी। सही है, तो वो मैंने सोचा बैग में रख देती हूँ। सही हो गया। और कुछ कपड़े इस्त्री करने वाले हैं वो भी अभी इस्त्री करती हूँ। सही हो गया। हाँ जी, चलो जी माशाल्लाह, खींच के रखो काम को, छिट के रखो और अपना काम करो, फाइनली जो भी करना है करो। और बाकी आपने भी साथ रहना है, और बाकी जो है हमारी कुकिंग वगैरह खाना वगैरह वो भी होता रहेगा। और अभी जो है ये अपने इन कामों में फ्री हो जाए, इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी दोस्तों, मैं गया था चौक पे मिसाला लेने, उस वक्त तो गोश्त खाली लेके आया था, मिसाला नहीं लेके आया था, तो अभी जो है गोश्त मिसाला लेके आया हूँ। और अम्मी तेरी कहाँ है? जवेरिया उधर है, बुला उसको। तो ये मिसाला लेकर आया हूँ और गोश्त जो है अभी इसको रेडी करेंगे। ये देखें ये 100 का मिसाला इतना सा दिया है, ये महंगाई इतनी हो गई है। 3-4 मिर्चें, 2 टमाटर, 3 टमाटर, 2 प्याज, थोड़ा सा ये धनिया, 100 का इतना सा मिसाला है 100 का। तो अभी ये मिसाला लेकर आया हूँ, और गैस वगैरह के भी करते हैं चेकिंग,
आ गई है तो। हाँ जी आ गया है आपका मिसाला। आ गया है। हाँ मिसाला आ गया है, तो अभी जो है आप ना जल्दी से चेक करो और अपना खाना वगैरह रेडी करो। और एक और भी न्यूज़ आई है। हाँ एक और न्यूज़ है। अल्लाह खैर करता है, अल्लाह कभी इतनी आजमाइश देता है नहीं किसी को। इंसान की आजमाइश से मतलब इंसान की जितनी ताकत होती है आजमाइश बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा नहीं देता है, मतलब उस इंसान के औकात से बढ़कर आजमाइश नहीं देता, समझे। तो बाकी आजमाइश कोई नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई आजमाइश ऐसी नहीं है। बस सवारी छोड़ने जाना है इधर से खानपुर सिटी, उधर से फिर वापसी आना है। अच्छा तो फिर आप चले जाएंगे तो फिर वीडियो 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 वीडियो, एक इधर रहती है सलमा, इस घर में एक सलमा है, वो जो है वो फिर वीडियो बनाती है, यूट्यूबर भी है। मैं खाना बनाऊंगी वीडियो का, वैसे भी इतना लेट हो गया है, ऊपर से खाना बनाना है, फिर मैं वीडियो के चक्कर में वीडियो बनाती रहूंगी या खाना बनाऊंगी। नहीं वीडियो मतलब बनाने का ये नहीं कि आप कैमरे को ही पकड़ती रहो, कैमरा पकड़ने वाले और बहुत है, शानू है, फरहान है, वो आतिफ है, तो मैं ये चलो यार 1500 मिल जाएगा, काम चल जाएगा। ये देखो ना मेहमानों की रोज़ी आ गई है, मेहमान जब आते हैं ना तो अपना रिस्क लेकर आते हैं, वो आए हैं तो उनका रिस्क भी मेरे पास आ चुका है, अब मैं खुद अगर उसको ठुकरा दूँ तो वो मेरे ऊपर है। तो अभी जो है कोई नहीं, मैं ज़्यादा देर कौन सा लगाऊंगा, बस दुआ करना। कार पे कौन सा सर्दी लगती है? कार पे सर्दी लगती है क्या? बाइक पे थोड़ी जा रहा हूँ, कार पे लेकर जानी है ना उसको, फिर वो छोड़ के अगर वो कहेंगे कि थोड़ा टाइम लगता है तो फिर उधर रुक जाऊँगा, उनको वापस ले आऊँगा, अगर वो बोलेंगे ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको छोड़ के वापस आ जाऊँगा। सही हो गया, ठीक हो गया, नो टेंशन, मज़े करो, इन्जॉय करो, और खाना वगैरह आप रेडी करना, बाकी जैसे मैं ही फ्री हो के मैं भी आ जाता हूँ उतनी देर, क्या पता आपके खाने बनने तक मैं आ जाऊँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना। चलें ठीक है, अल्लाह पाक आपको खैर से ले जाए, खैर से आपका खैर भाई सबके, खैरा खैरा और खैरा खैरा, फिर ऐसे जल्दी जल्दी बनाओ ना, जल्दी जल्दी तैयार करो। बनाती हूँ, आजकल आप कैमरा इतनी नज़दीक करते हैं, हमारा बड़ा बड़ा मुंह दिखा दिया। मैंने LCD में देखा है ना, बड़ी LCD में वीडियो चल रही होती है ना, तो फिर बंदा क्लोज हो जाए ना तो मज़े का लगता है, तो इसलिए फिर वो देख रहा था। और आपने अपना मुंह, आप कौन सा बड़ी सी LCD में देखना है, देखने देखेंगे तो बहन भाई ना। हाँ उनको हंसी आएगी देख कर कि कैसे इनके मुंह से तो ये खूबसूरत नजर आती है, नजदीक से इतनी बड़े बड़े मुंह वाली है ये तो। दोनों बहने बड़े मुंह वाली। आज ना अल्ताफ भाई ने मेरे मूछे दिखा दिया, इसलिए मैं छुपा। आप तो दिखा दिए, अब क्या फायदा छुपाने का। नहीं सिस्टर को जो है ना आपने परेशान कर दिया, ऐसा नहीं नहीं मूछों से मैं आपकी परेशान हूँ, आपने क्या अच्छा कैमरा नजदीक। अच्छा एक और बात बताऊँ, ये मैं क्या करूँ, क्या करूं पता नहीं आपको क्यों दे दिया मैंने। ये देखो अब ये मेरे ख्याल इसके सर में डकरा लग गया है, अब मोबाइल खुद का मोबाइल है मुझे पकड़ा रही है, मैं मोबाइल आपको पकड़ा रहा हूं कि ये मोबाइल और मैं जा रहा हूं तो आप मुझे अपना मोबाइल पकड़ा रही हो। अच्छा मैं वो बात बता रहा था, हमारे घर जो मेरी भांजी आई हुई है सेम आपकी तरह लगती है, हाँ थोड़ा 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 सा ऐसे नैन नक्श है ना भाभी, इसके साथ मिलते जुलते। हाँ जी आप तो जिसको देखते हो कहते हो नहीं, मैं अभी आज ना मैं कहता हूँ कि फैसला हो जाए। चलो नहीं नहीं अभी आप ही ये मेरा मोबाइल ना अंदर, चल उधर अंदर रख देना, मैं अभी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आप ना अंदर अंदर वो जो बैठे उनके साथ गपशप लगाए, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अच्छा सर्दी जो लग रही है वो बंदा फिर बाहर जाता है क्या? मैंने आप जो ना जर्सी वगैरह शॉल धोई है ना, अभी तक भी नहीं सूखी। बकरे की तरह ऐसे कर रही हो, बकरा खाया नहीं पहले वो कर रही हो। जब बकरा खाएगी तो गर्म हो जाएगी, हाँ फिर सर्दी उतर जाएगी। और इधर जो है माशाल्लाह से क्या बात है, रौनके लगी हुई हैं, ये देखिए माशाल्लाह रौनके लगी हुई हैं कमरे में। हाँ जी हाँ जी कमरे में रौनके लगी हुई हैं, मेहमान इधर बैठे हुए माशाल्लाह अब मेरे कमरे में आ गए, धूप लगवा लगवा के अब आ गए। अच्छा अब भाभी आप देखो लगती है क्या ना? हाँ, लगती है ना। हाँ जी क्या लगती है? अभी मैं सलमा को बोल रहा था, मैंने कहा जो भांजी आई है ना वो आपकी तरह नजर आती है। फिजा की तरह? नहीं नहीं सलमा की तरह नजर आती है, मैंने कहा सलमा आपकी तरह नजर आती है। वो ना ये
जाहिर बात है रिश्तेदार है, है ना, आखिर वो फिर खून जो है फिर अपना खून है, शक्लें मिल जाती है, कोई बात नहीं। ये होता है खून कभी पानी भी हो जाता है ऐसे आजकल के दौर में ना खून पानी हो गए हैं, बाकी बाकी सच है ये खून पानी हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन, हाँ, आमीन। बस यही है कि प्यार मोहब्बत ही, और अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ माशाल्लाह मेहमान आते हैं, तो यही चीज़ है ना, हम लोगों में प्यार मोहब्बत बहुत है, एक दूसरे के घर आना जाना प्यार मोहब्बत ये चीज़, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा जो है ना एक दिन मेहमान और चले जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, और चले जाते हैं तीसरे आ जाते हैं, तो एक दो दिन मेहमान ना आए तो हमें तो अजीब सा लग रहा होता है, और इसलिए और कुछ लोग कहते हैं ना कि आपके घर इतना मेहमान आते हैं तो आपका खर्चा कैसे होता है, अब देखो मेरे घर मेहमान आए और अपना खर्चा लेकर आ गए हैं, हाँ जी, वो सवारी आ गई है, नहीं चलता, हाँ। अभी जो है मैं वैसे भी जा रहा हूँ, सवारी आ गई है, खानपुर छोड़नी है, उधर से मुझे घंटा या दो घंटे लगेंगे, मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा, ये अपना रिस्क लेकर आए हैं, इतनी अच्छे है ना सिस्टर, सुबह भी सिस्टर कह रही थी, रात भी गए थे ना, हाँ, रात डेढ़ बजे गया था, क्योंकि रात जो है माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको रोजी दे दी थी, हाँ, कमा के आए हैं, तो सुबह मेहमान आ गए इसकी तरफ से ना अल्लाह पाक ने, आपकी वजह से हम अच्छा खा रहे हैं, आप लोग रोज आया करो ऐसे होते की रहमत होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी हिसाब से बन जाती है घर में, गप शप हो जाती है, अल्लाह की रहमत, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह वो पहले मैं बात की है ना, एक दो दिन हमारे घर कोई मेहमान ना है ना हमें अजीब सा लगता है, सोच हो जाती है कि कुछ खोस आ गया है, हाँ जी ऐसे होता है। चलो मैं फिर अभी मैं जा रहा हूँ फिर खानपुर सिटी, सवारी छोड़नी है, उधर से फिर वापस आता हूँ, तब तक आप लोग मेहमानों की खिदमतदारी करो, खाना वगैरह पकाएंगे तब तक मैं आ जाऊंगा, सही हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, भाई, हाँ भाई भाई, सिटी में जा रहे हूँ, अच्छा कहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिटी में, हाँ? नहीं नहीं जा कहाँ रहा हूँ, बताओ ना मेरा क्या था, जहाँ पते की दिया हुआ, नहीं नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिटी मैन, हाँ जी मैं सिटी मैन जा रहा हूँ, ये नहीं कहते कि सिटी में जा रहे हो, कहती है सिटी मैन जा रहे हो, सिटी मैन जा रहा हूँ मैं, हाँ जवेरिया शोर नहीं करो, हाँ जुराबा ले आऊँ, चलो ठीक है, अम्मी की भी कह रही थी जुराबा, हाँ अम्मी की जुराबे लेनी है, अम्मी की भी लेनी है, इसकी भी दोनों के लिए लकीरियाँ लगी ना, हाँ चलो ठीक है, नहीं लड़ो नहीं, आप लोग शोर करते हो, अलीजा लड़ो नहीं, लड़ो लड़ा नहीं करो, छेड़ा नहीं किया करो, झगड़ा नहीं किया करो, दूध ले अपना, हाँ दूध पी लो, वो नहीं अभी मोबाइल में पड़े हुए हैं, अभी किसी की नहीं सुनते, चलो जी मैं चलता हूँ फिर खानपुर सिटी, तब तक ये पता नहीं गले में कोई नारे लग रहे हैं, तो मैं जाता हूँ खानपुर सिटी, और बाकी जो रूटीन है वो सलमा शेयर करती रहेगी, फिर तब तक मैं आ जाऊँगा, ओके हो गया, ओके, अभी जो है ये है बकरे का गोश्त जो मैं अभी धुलाई कर रही हूँ, अभी जो है ना इसको पकाना शुरू कर दिया है, और मैंने सोचा बहन भाइयों से भी शेयर कर दूँ, अभी इसको जो है ना मैं इधर रख देती हूँ, और इधर आ जाए, ये देखें ये मैंने जो है ना ये प्याज डाल दिए हैं, घी में ये ब्राउन हो रहे हैं, बाकी जो मसाले हमारे ये देखें, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी, ये टमाटर हैं, ये सब धनिया है, बाकी दूसरे जो होती हैं मिर्चें वगैरह वो सब कुछ, अभी ये इसके ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो भी शेयर करेंगे, वैसे मेरे प्याज जो हैं वे ब्राउन हो चुके हैं, अभी जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चमचा, दो चमचा, तीन चमचा, और थोड़ा सा ये मसाला भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है ना ये हल्दी ऐड करनी है,
हल्दी भी ऐड हो गई। अब इसमें जो है ना ये नमक ऐड करना है, ये नमक भी ऐड हो गया। अभी इसको मिक्स करना है। ये देखें मिक्स भी हो गया माशाल्लाह से। और अभी मैं इसमें डालूंगी, क्या डालूंगी, हाँ याद आ गया, हाँ ये डालूंगी, ये टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब इनकी होती रहेगी भुनाई। अब इनको थोड़ी देर भुनाई करती हूँ। इसमें ये भी डाल देती हूँ, ये वाला, ये अदरक का पेस्ट जो बनाया है ना लहसुन का, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह बरकत पावी, सब खा जाए फिर भी बच जाए। ये भी मैंने डाल दिया है माशाल्लाह से। गैस कम कर दूं ठीक है, ताकि ये जो है ना अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। अम्मी जो है खाना बना रही है और परी को देखे यहाँ पे आ गई है। क्या खाने आई हो? अम्मी को देख रही है कि अम्मी क्या बना रही है। इसका पैंपर भी लगा दिया, इसका भी लगा दिया और रिश्वा का भी, रिश्वा का भी लगा दिया, टाइम से लगा दिया। वो रो रही थी कि हमने सोना फिर भूल जाता तो फिर अच्छा, वो सो गई रिश्वा, पता नहीं उसको फीडर दिया तो उसको वो जगह बना के दिया, वो सो रही फिर तो वो सो ही जाएगी ना, खाना भी नहीं खाएगी, सो गई। चल सारा दिन खेलती रहती है ना, वो थक जाती है, सो गई। परी कहती है सो दे मेरे साथ के वन्या, मेरा सोना, ओ मेरा मीठा, ओ मेरा सोना। चलो इधर बैठो आप। और मैं जो है ना इधर बना रही हूँ ये बकरे का गोश्त, और मेरी सिस्टर जो है ना ऊपर वो बना रही है रोटियाँ। उन्होंने बोला कि आप चिकन बना लो, मतलब के बकरे का गोश्त बना लो, मैं जो है ना मैं ऊपर रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि हमारा सब बहन भाई जानते हैं, अगर कोई चावल बनाए, बिरयानी बनाए, चावल बनाए, या सिवैया बनाए, या सूजी बनाए, या चिकन बनाए, या कोई चीज़ भी ऐसी बनाए अच्छी, तो फिर तो हम एक साथ ही बनाते हैं। तो आज भी वही है, मेहमान भी हैं और मेरे सिस्टर वाले भी हैं, हम भी हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो एक साथ ही बनाते हैं। वो अगर सालन बना लेती है तो मैं रोटी बना लेती हूँ, अगर वो रोटी बना लेती है तो मैं सालन बना लेती हूँ। इस तरह फिर मिलके बनाते हैं और मिलके खाते हैं। तो अभी जो है ना मेरे मिसालों की भी भुनाई हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कैसे नज़र आ रहे हैं, ये देखें। लगता है मिर्ची ज़्यादा डाल दी है, लाल है बहुत। नहीं बेटा ये अभी ये इसमें जो है ना ये गोश्त, जब इसकी भुनाई होगी ना फिर उस मिर्चियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी जो है ना मैं ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें डाल गया। अभी इसको करते हैं मिक्स। गैस मैंने कम कर दिया है, पहले जो है ना कुछ ज़्यादा जल रहा था, अभी मैंने उसको कम कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह से, अब देखें इसको। माशाल्लाह जी हमारा जो है ना के बकरे का गोश्त, भूल जाती हूँ हर वक्त, चिकन बनाते हैं तो वो चिकन ही। तो अभी मैं इसका जो है ना टकड़ा बंद कर देती हूँ, ये ऐसे ऐसे हो गया। ये देखें मेरा चूल्हा जो है ना ये बिल्कुल गंदा हो चुका है, काफी गंदा हो चुका है, क्योंकि इसको जो है ना जितना भी कोशिश करती हूँ तेजाब डाल के धोती हूँ, और जो सख्त वाली वो होती है बर्तन धोने वाली जो तारों की बनी होती है वो बाजार से मिलती है, वो भी इसको उसकी भी रगड़ाई करती हूँ, फिर भी ये साफ नहीं होता।
वैसे तो बाग काफी दिन हो गए हैं मैंने इसकी धुलाई नहीं की, इंशाल्लाह करेंगे धुलाई भी। बहन भाई भी बोलते होंगे कि इनका चूल्हा जो है ना वो कितनी गंदा है। अभी जो है ना इसको भी धुलाई करेंगे इंशाल्लाह, सुबह इसको धुलाई करूंगी। और क्या बोलो, इधर मेरा अयान बेटा भी आ गया। क्या हुआ बेटा? रोटी। भूख लगी है? कितना भूख लगी है मेरे शहजादे को? बहुत सारी। बहुत सारी। होए होए। चलो बस आप ना ये देखो मैं आज क्या बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, क्या बना रही हूँ अपने शहजादे के लिए। मैं बना रही हूँ बकरे का गोश्त, खाओगे? माशाल्लाह। हाँ ये मेरे बच्चे जो है ना, जवेरिया भी कोई भी गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, बकरे का हो, चिकन हो, मुर्गी का हो, जो भी हो, जवेरिया भी नहीं खाती, आतफ भी नहीं खाता, छोटी चुनी मुनी वो भी नहीं खाती, सिर्फ अयान पहले शौक से खाता था, अब ये भी कम खाता है, बहुत कम खाता है, बस ये शोरबे के साथ रोटी खा लेता है और बोटियां वगैरह ये नहीं खाता। ये भी सब मेरे बच्चे जो है ना कोई भी नहीं खाता, जब भी मैं बनाती हूँ ना बस बड़े खाते हैं ये शोरबे से, ऐसे ना बस रोटी खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते। चलें जी अभी जो है ना इसको ही अच्छे से करते हैं भुनाई। भुनाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें डालेंगे शोरबे का पानी। गोश्त की चिकन मतलब बकरे के गोश्त का जो है ना भुनाई हो चुकी है। ये देखें कैमरा मैन इधर दिखाएं कैसा लग रहा है। अभी जो है ना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी इसमें पानी ऐड कर दिया है ये देखें, और अभी जो है ना पानी कुछ ज़्यादा ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो है ना पानी उबलेगा तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा। तो बस शोरबे का जितनी रखना होगा तो फिर वो रख लेंगे, ठीक हो गया। अभी जब ये तैयार होगा तो इंशाल्लाह बहन भाइयों को ज़रूर दिखाएंगे, इसकी लुक चेक कराएंगे ये कैसा बना है। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और ये देखें ये मैंने जो है ना सुबह धुलाई की थी, अम्मी की जर्सी भी, शॉल भी और अपनी भी। ये देखें अभी तक ये गीली है, बाजू गीले हैं, बाकी सूख गई है, ये बाजू गीले हैं इसके भी, अम्मी की जर्सी के। तो अभी इनको जो है ना उतार के जो है ना नीचे कमरे में डाल दूंगी तो इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना सूख जाएंगी। तो सुबह सुबह जाना है तो मैंने सोचा ये जो है ना सूख जाए तो फिर सुबह पहन के जाएंगे। और अभी जो है ना इधर आई हूँ, आप ही मेरी बना रही है रोटी, वो मैंने सोचा देख लूँ कितना बन गई और कितना रहती है। माशाल्लाह से ये देखिए, हाँ ज़्यादा बन गई है, थोड़ी सी रह गई है। अच्छा माशाल्लाह से ये देखें आप ही ने ये बहुत सारी रोटियाँ बना ली है। देखें गोट मीट बन गया? गोट मीट नहीं, अभी जो है ना मैंने भुनाई की बहुत ज़्यादा, फिर भी चेक किया तो फिर भी बहुत सख्त था। अच्छा। फिर मैंने पानी जो है ना कुछ ज़्यादा डाल दिया है। असल में बात भूल गई है, जब ये आया था ना तो 3-4 बजे प्लांट से पानी ले आते ना। हाँ। तो वो जल्दी हो जाता। हाँ ये जो बड़े वाला तो पहले तो ले आया था ना, 5 बजे पानी आ जाता है। हाँ वो तो पहले से लेकर आया था, जब ये वो किन्नू लेकर आया था ना आपका भाई जुमा पढ़ने गया था ना, जब भी वापस आए तो फिर वो लेकर आए थे। 5 बजे नहीं, पानी तो 4 बजे भी आ जाता है। तो फिर हमें जो है ना ये मतलब के नहीं ये ख्याल है। हाँ हमारे जो वाटर सप्लाई का पानी आता है ना तो वो जो है ना बहुत मतलब ऐसा पानी है कि कोई चीज़ भी ज़्यादा सख्त हो ना तो उस पानी में देर भी नहीं लगती, वो जो है ना जल्दी से वो नरम हो जाता है। तो उस पानी की बात कर रहे हैं और मैंने जो है ना घर वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं वही डाला है, तो इसमें जो है ना वो थोड़ा टाइम लग रहा है, गल तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैंने जो है ना पानी डाल के आई हूँ और कुछ एक दो कालें भी आ गई थी तो कुछ थोड़ा मैंने लेट भी पकाना शुरू किया है क्योंकि नहीं चल रहा था। चल रहा है। फिर आपने ऐसे क्यों किया? उसका पीछे किया। अच्छा तो एक दो सिस्टर की काल आई थी तो जो हमारी मेहमान मैंने बताया था जो हमारे घर आ रहे थे
तो उनके जो सिस्टर के वालिद फौत हो गए थे ना, तो काफ़ी दिन हो गए थे वो उधर थी अपने मतलब के अबू के घर। तो वो कल आई है वापस, तो आज है ना मैंने उसके साथ अभी अभी मैंने बात की है, उसके अबू के लिए अफसोस किया है। तो फिर साथ में सालन भी बनाती रही, उसके साथ बात भी करती रही। तो एक और सिस्टर की भी बात आई थी, कॉल आई थी पहले, वो भी मैंने सुनी है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा लेट हो गई है। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये वैसे चिकन तो नहीं, मटन हो, बीफ हो, ये टाइम लेते हैं। हाँ, मेहमानों को भूख तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। नहीं लग रही आपकी अम्मी को? होगी, लेकिन बता नहीं रही। अच्छा, कोई नहीं, अपना घर ही समझो, टेंशन नहीं लेनी, खाने पीने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, हमारे घर तो जो मेहमान आते हैं ना, वो तो हमें कहते भी नहीं है, खुद ब खुद चले जाते हैं, किचन में जो चीज पड़ी होती है उठा के खा लेते हैं। हम भी ऐसा करेंगे। हाँ, ऐसा ही करना, यही तो बता रही हूँ। मेहमान वो होता है जो यानी बाहर से आता है, तो कोई चीज का पता नहीं होता, किचन कहाँ है या बर्तन कहाँ है या माशाल्लाह, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो तो सब जानते हैं, ये चीज इधर होगी, ये चीज इधर होगी, खुद भी उठा के। पता है क्या कमेंट्स आया आपके बारे में? क्या आया है? अल्ताफ भाई, आपने नोटिस किया है कि सलमा भाभी की शक्ल पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस साहिबा से बहुत मिलती है। आपकी जो फेस है ना, आपका एक एक्टर है पाकिस्तानी, अच्छा, उसके साथ मिलती है। फिर आप मुझे वो दिखाना, मैं भी तो जरा देखूं कि मेरी शक्ल की कौन है। वो जो ड्रामा चलता होता था टीवी पे, गेस्ट हाउस, वो रेंबो रेंबो, उसकी जो घर वाली है। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा होगा, याद नहीं आ रही। चले आप उसकी ना मेरे को पिक्चर दिखाएं, मैं देखूंगी कौन है मेरी शक्ल वाली। नहीं, ऐसे बात नहीं होती कि हम शक्ल के भी इंसान हैं। जो आपका भाई वीडियो बनाता है, जब हम जो है ना, बहुत दिनों की बात है, हम चैनल छोड़ रहे थे, व्यू नहीं आ रहे थे, तो वैसे किया मैं चैनल जो है ना छोड़ देता हूँ, कोई और काम करता हूँ। फिर एक भाई की कॉल आ गई, कहता है नहीं इसका नाम लेके आवाज़ भाई, नहीं चैनल नहीं छोड़ना, आप ऐसे लगते हो मेरा ना भाई, एक आप जैसा है, मैं आपकी वीडियो शौक से देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जो मेरा भाई आया हुआ है। सही सही, हम शक्ल हो जाती है ऐसे, लेकिन वो ऐसे थोड़ी बहुत ही मिलती जुलती होगी, लेकिन सेम नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत ही ऐसे लग रहा होता है, लेकिन सेम नहीं होती। चलें जी, अभी जो है ना लव मिल गई। अच्छा, चलें जी देखते हैं, और अभी खाना वाना बना लें, फिर मिलेंगे बहन भाइयों से, और खाना जब खाना शुरू करेंगे ना, तो सबको जो है ना दिखाएंगे। अच्छा, ये वाली, अच्छा ये मेरी शक्ल की है, इधर दिखाना, ये देखें, थोड़ी बहुत मिलती है, पता नहीं मेरे को तो। इसकी आईज बड़ी है, आपकी आईज छोटी है। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाती हैं, इसलिए वो तो दिन में पता नहीं कितनी बार ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं, अपने आप को तैयार करवाती हैं, फिर जाके जो है ना वो ऐसी लगती हैं। हमने तो अल्लाह का शुक्र है, जब से पैदा हुए शादी हो गई, पांच बच्चों की मतलब के माँ बाप बन गए, पांच बच्चों के माँ बाप बन गए, मतलब के आज तक हम ब्यूटी पार्लर कभी नहीं गए। तो आगे देखेंगे जाते हैं या नहीं जाते। कोशिश करेंगे जाने की। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश अभी जो है ना थोड़ा बहुत इरादा बनता है कि हम भी कभी चले जाएं ब्यूटी पार्लर, थोड़ा बहुत जो है ना अपना फेस का जो है ना वो सेटअप करवा लें। नहीं, अभी नहीं जाना, जब बूढ़े हो जाओ तब। हाँ, जब बूढ़े हो जाए फिर जाना। चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे, हमारा जो है ना ये लटकने लगेगा ना, तो फिर हम इसको खिंचवा के फिर जवान बन जाए। सही है, आप ही हंस रही है। हाँ, मैं तो सबसे भाइयों से और सिस्टर से बड़ी हूँ, मैं तो जा सकती हूँ। हाँ, आप जा सकती है,
आप जाया करें। मतलब है आजकल के ब्यूटी पार्लर इतने जदीद हैं, बूढ़ी औरतों को भी जवान बना देते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि मेकअप बनाने वाले जन्नत में जाएंगे, उनकी वजह से जो है ना पता नहीं कितने लोग घर आबाद हैं। वो मैं जितनी भी मतलब के कुछ लोग कहती हैं ना ये मतलब अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो वो ब्यूटी पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा लेती हैं तो फिर अच्छी नजर आती है ना, तो उनका घर बस रहा है। बहुत सारे लोगों के घर बस रहे हैं इस मेकअप की वजह से। पता है एक ना लड़के की शादी होती है कजन से, मतलब चाचू की बेटी से। अच्छा। फिर वो ना मतलब मुंह दिखाई का टाइम आता है जब लड़की बैठी होती है सामने, को बोल दिया मेरी मुंह दिखाई दो, फिर ना लड़का बोलता है मुंह दिखाई तो मतलब असली फेस देखने के बाद होती है, तुमने तो मेकअप के पीछे अपना सारा फेस छिपाया हुआ है, पहले धो के आओ फिर दूंगा। अच्छा सही सही माशाल्लाह से। चलें जी गपशप तो होती रहेगी, अभी मेरी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि आगे भी कुछ दिखाना है बहन भाइयों को। ये जो खाना बना रहे हैं, कब से मेहनत कर रहे हैं, ये भी दिखाना है, कैसे खाते हैं वो भी दिखाना है और मेहमानों को भी दिखाना है ये मेहमान भी कैसे खाते हैं, जैसे इंसान खाते, जैसे इंसान खाते हैं। मैंने कौन सा बोला कि मतलब के जहाज खाते हैं, हाँ इंसान ही खाते हैं, हर चीज़ खाती है क्योंकि ये जो है ना खाना तो हर कोई खाता है। चलन जी ओके हो गए, खाना वाना सब कुछ रेडी हो गया, मेरा जो है ना गोश्त भी रेडी हो गया और रोटियां भी रेडी हो गई। आप ही जो है ना ले आई है रोटियां, ये देखें ये रखी हैं। और अभी जो है ना मैं दिखाने जा रही हूँ अपने मतलब के रेसिपी की लुक चेक करा रही हूँ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे दिखाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से ये देखें कैसी है, हमें भी देखनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। हाँ जी दिखा लो, आप परी को भी दिखा लो, चलो देख लो ये है। मुझे भी दिखा लो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो आगे बैठे हुए हैं तब से। सबसे पहले मैं अबू जान को देती हूँ क्योंकि उन्हें दवाई खानी होती है, उसको दे के फिर जो है ना मेहमान भी अंदर बैठे हैं उनको भी बुलाते हैं। तो माशाल्लाह वालेकुम सलाम, मैंने कहा था ना मैं खाने के टाइम आ जाऊंगा। हाँ जी माशाल्लाह आ गया। ये लो ये भी है, वो जो नहीं खाती उसके लिए लेकर आया हूँ। हाँ जो हमारे मेहमान है ना वो एक दो ये खाता है बकरे का गोश्त और एक जो है ना वो नहीं खाता। माँ खाती है बेटी नहीं खाती, हाँ इसलिए जो है ना तो उसके लिए हमने जो है ना ये होटल से थोड़ा सा सालन मंगवाया है। हाँ जी माशाल्लाह खाना तैयार हो चुका है। हाँ तो मेहमान कहाँ है, मेहमान आए बैठे हैं, आप तो आए बैठे दूसरे मेहमान, मेहमान नजर नहीं है। आप तो दो हो ना सिर्फ, और बाकी घर वाले अम्मी अबू को दे दिया, अबू को अभी देने जा रही हूँ। किसको वो मैं बुला आता हूँ, आप बैठो मैं बुला आता हूँ। अच्छा आप जाओ बस बुला लो, आप जा जल्दी जा। परी क्या कर रही हो, पानी पा रही है तो वो पानी ना गिराना, परी वो पानी ना गिराना, खुद से बड़ा तो आप जग है। हाँ अयान वो जवेरिया कहाँ है, जवेरिया सो गई है, जवेरिया और अलिशबा वो दोनों सो गई है, और अम्मी अम्मी और मेहमान उधर बैठे हैं। अमीना अमीना भी सबको बुला के ले आते, वो पानी कहीं डोल ना दे। हाँ जल्दी बुला के लाओ। तो जी दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ और अब जो है बाकी रूटीन शेयर करते हैं, इंशाल्लाह आपने साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अब मेहमानों को बुलाने गई है, बुलाने गया था, वो आ रहे हैं ना। चलो जी मेहमान जैसे आते हैं सब बैठ कर फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह जी मेहमान भी बैठ गए और बड़े मेहमान भी छोटे मेहमान सब मेहमान बैठ गए। हम खाना मेहमान नहीं है, अभी तो आपने बोला हम मेहमान है, तो मैं मजाक कर रही थी। चलो सही हो गया, और सब जो है इधर खाना वगैरह खा रहे हैं। अम्मी अबू को जो है उनको कमरे में दे दिया, वो कहते हैं कि हमें सर्दी लगती है, तो इधर साहब बाकियों को बिठा दिया है, अम्मी अबू उधर, बाकी जवेरिया और अलिशबा वो सो गई हैं,
हम बचे हुए हैं, अब हम भी खाते हैं इधर माशाल्लाह। खाना जो है हमारा रेडी हो गया, जिस बहन भाई ने खाना है तो आ सकता है। वेलकम जी, आया नु भली करी आया जी। भाई भाभी खाना हुआ सकता है, सीधी बैठो, सीधी बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी अब खाना खाते हैं इंशाल्लाह। खाना खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं और नात भी सुनाते हैं आप लोगों को। नात सुनाओगी ना? जी हाँ। बकरा खा रहे हैं तो फिर आवाज निकलेगी। सही आवाज निकलेगी। हाँ सही आवाज निकलेगी, सुनाएंगे जरूर। हाँ जी हाँ जी। चलो जी खाना खा लें फिर मिलते हैं आप लोगों से। चाय वगैरह दे दे, उसके बाद फिर नाच सुनते हैं, फिर वीडियो का एंड कर देंगे। खाना वगैरह खा लिया, चाय वगैरह पी ली और मेहमान इधर बैठे हुए हैं। अब बारी है नाच की और नाच सुनाती है। भाभी भी आई हुई है। सुनने आई हो? हाँ चलो जी आप सुनते हैं नाच। चलो जी पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। मुक गया वीजा ते जुदाया मदीने विच रह गया। तुसत मैनू दर ते सड़िया, फिर मैनू शहरों कड़िया। तुसत मैनू दर ते सड़िया, वेले मैनू शहरों कड़िया। तेरे दर दिया सोनिया यादा, आका मेरा साथ न चढ़िया। तेरे दर दिया सोनिया यादा, आका मेरा साथ न छड़िया। नित दिया सोचान, नित दिया सोचान, रावा विच पै गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। आप जमजम पींदे रहया, दो दिन सुख नाल जींदे रहया। आप जमजम पींदे रहया, दो दिन सुख नाल जींदे रहया। तेरे दर दी चौखट ते असी मंगते रोज सदींदे रहया। तेरे दर दी चौखट ते असी मंगते रोज सदींदे रहया। मंगिया मुरादा सी जो, मंगिया मुरादा सी जो, झोली मेरी पै गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। फिर मैं वेखा रोजा तेरा, सौरभ दी दिल करदा मेरा। फिर मैं वेखा रोजा तेरा, सौरभ दी दिल करदा मेरा। जे किधरे मंजूरी होवे लाला उत्थे पक्का डेरा। जे किधरे मंजूरी होवे लाला वाय उत्थे पक्का डेरा। लखा मजबूरिया ने, लखा मजबूरिया ने, रावा विच पै गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जी अब आ गई ना नात पूरी। आप ऐसे परेशान बैठी थी, हंस भी रही थी कि अब कैसे सुनाऊंगी, पूरी नहीं आएगी। माशाल्लाह पूरी नहीं आई, फिर भी चलो एक दो कलियां रहती हैं, कोई नहीं, बस आगे फिर याद हो जाएगी। हाँ जी, सही हो गया। हाँ जी। चलो जी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, नात भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।